पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक 9 दिन से हड़ताल करके केरल सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे को एनपीए दिया जाए। 17 राज्यों में एनपीए मिल। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। सर मेरा हर हफ्ते एक या 5-6 कैंप होते हैं पूरे जिले में, और मैं पशुपालकों के द्वार जाकर उनको वहाँ पर रोग का निदान करके देती हूँ, उनकी सर्जरी करती हूँ। आज मैं समझ सकती हूँ कितने पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ये समझ सकती है हमारी पीड़ा कि हम कैसे गाड़ियों में बैठकर धूप में बारिश में हर मौसम में और बिना हमारे को जो ओटी मिलता है, हम खुले आसमान के नीचे गौशालाओं में जाके एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, लाते खाते हैं, उनकी मतलब कई सारी परेशानियां होती है, हमारे पास कई बार कई साधन अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर भी हम इतनी विषम परिस्थिति जो होती है उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, और हम तन मन धन से कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है सरकार हमें एनपीए दे, क्योंकि हम लोगों को हमारी सुरक्षा भी चाहिए। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि वे हमारी एनपीए की मांग को शीघ्र पूरी करें। डॉक्टर नीतू अरोड़ा। नमस्कार सर, हम गत 18 तारीख से, आज हमारा 9वां दिन है अनिश्चित हड़ताल का, पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक 9 दिन से हड़ताल करके केरल सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे को एनपीए दिया जाए। 17 राज्यों में एनपीए मिल रहा है, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, गहलोत साहब खुद मानते हैं कि दंपी के अंदर डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो भी हमारे एनपीए की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। हम पशु चिकित्सक लगातार आमरणशन पर भी जाने की विचार बना रहे हैं, और कुछ जिलों में आमरणशन शुरू भी हो चुका है। हमारी गहलोत सरकार से एक ही मांग है कि हमारे को एनपीए दिया जाए। आपका नाम बता दो। डॉक्टर दीपक गुप्ता, वरिष्ठ पशु चिकित्सालय अजमेर।